Ladies and gentlemen, let me first take this opportunity to congratulate Renuji and the entire team for the formulation for the dream and now for the reality called We. Heartiest congratulations to you and everybody in your team for taking such an initiative. और मैं जानती हूँ कि initiative जब महिला मोर्चा में मैं लेने का दुस्साहस करती थी और ये मैं दुस्साहस शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नई कल्पना को करने के लिए साहस भी चाहिए और थोड़ा दुस्साहस भी तो ऐसे दुस्साहस में हर बार हम पलट कर पीछे देखते थे तो पांडे जी खड़े होकर बोलते थे बढ़ते जाओ सो यू आर क्वाइट ब्लेस्ड टू हैव महेंद्र पांडे जी एज समबडी हु डज नॉट इंटरवीन बट गाइड्स डज नॉट इंटरजेक्ट बट हेल्प्स मूव फॉरवर्ड ऑलवेज I had the distinct privilege of listening to Chavi ji. Let me tell you that as a working professional, while we try to migrate to better prospects, it's nice to see that educated women come back to their roots. And I think that should be celebrated by all. We have all been delighted that we have been given the honor today on this stage. And we have shared the honor with Nirbhaya's parents. Amongst you sits many a colleague of mine, one Shikha Tyagi ji, who gave up her entire corporate career as vice president of Pepsi, if I remember it right. And she's too shy to get up and join a political organization full time, one of the first high ranking professional women to do so. And I would like to mention her from this stage this morning, because every time I would speak on policy in terms of management, that is a lady we would run to. In terms of enumeration of data, and I think one should acknowledge team members who might not be padadhikaris with me anymore, but who have guided me and facilitated my research and my vision. मैंने आज जानबूझकर अक्सर देखा जाता है कि राजनीति में जब भाषण की शुरुआत होती है तो उल्लेख पद के हिसाब से बहुत लोगों का होता है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मैंने सबका उल्लेख नाम से और पद से नहीं किया और वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में ये राजनीतिक परंपरा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग है इसीलिए इस पार्टी को परिवार कहा जाता है और परिवार में ओहदे की कीमत से ज़्यादा जो निश्चय है जो संकल्प है उसकी कीमत होती है आज आदरणीय रवि जी ने जब सबको मार्गदर्शन दिया तो प्रभारी होते हुए कहा कि मैं क्या बोलूँ फिर उन्होंने कहा कि इन औरतों का क्या करना है ऐसा प्रश्न कई बार इन्होंने चर्चा में सुना है रवि जी महिला होने के नाते मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हमने भी बहुत सुना है ऐसा ही एक प्रश्न लेकर एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास गए और उन्होंने कहा स्वामी जी आप युवाओं का उद्धार कर रहे हैं कल्याण कर रहे हैं थोड़ा बैठ के थोड़ा महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए तो स्वामी जी ने कहा अच्छा आप क्या करना चाहेंगे तो उस व्यक्ति ने जाकर स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि हम चार पांच पुरुष आएंगे कल लेट्स हैव अ मीटिंग और फिर हम सोचते हैं कि इन औरतों का करना क्या है तो स्वामी जी ने पलटकर जवाब दिया कि जस्ट एजुकेट देम एंड लीव देम टू डिसाइड देयर ओन डेस्टिनी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर वुमेन मोर देन दैट आज मृणाल ने यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी और जब मृणाल का प्रेजेंटेशन चल रहा था तब मैंने रेणु जी से कहा कि मुझे मेरे भाषण में क्या कहना है उसके सारे पॉइंटर्स यहीं से मिल गए लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उसके बाद छवि जी इतना ओजस्वी भाषण देंगी कि उस पॉइंट्स में कुछ और ऐड हो जाएगा सो आई एम डिलाइटेड टू हैव हर्ड टू वेरी यंग टैलेंटेड सोशली कॉन्शियस एंड डेडिकेटेड यंग लेडीज एंड इट इज़ विद दैट दैट आई बिगिन व्हाट आई हैव टू से पॉइंट वाइज yes, my career as Tulsi has been celebrated and so has my journey as a political activist. What is not known perhaps? Mrinal kahan baithi hai? Yes. Mrinal ne aaj ek bahut achha prashn kiya ki entrepreneurship matra Mumbai jaise shahre mein kyun? Delhi mein kyun nahi? Mrinal, I had the distinct privilege of being born and brought up in Delhi aur Delhi mein hi maine 16 saal ki umar se apne kaam ki shuruaat ki. जनपद में आज जहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं वहाँ पर मैं सड़क पे दिन में 200 रुपये में प्रोडक्ट्स बेचा करती थी मार्केटिंग स्किल्स की तैयारी इसी पृष्ठभूमि से हुई है दैट मीन्स इट इज़ नॉट द प्लेस दैट मैटर्स इट्स द पर्सन दैट मैटर्स इट इज़ व्हाट डिटर्मिनेशन यू हैव दैट मैटर्स आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बींग अ पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड कुरियर इंडस्ट्री
transportation industry. And I remember around 17, 18 years of age when I started, one would go to railway stations in the morning when the train would arrive, pull out the documentation or the parcels that would come, run then to the airport and pull out the parcels from there. And I happened to be one of the only girls there. It's when people who looked at the history of the trade in India, they turned around and said that, do you know, at that time you were one of the first 5 Indian women to be working in that trade. I said, oh, I was not trying to create history. I was just trying to survive. And I think that is what pulls women towards entrepreneurship. The fact that they want to survive and they need to survive. Maine, mera chavi ki tarah MBA ki degree nahi hai, I was busy working. But हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि जिस विषय पर संबोधन करना होता है उस पर थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करूँ. अगर विमेन एंटरप्रेन्योर्स की दिक्कतों और चैलेंजेस के बारे में पढ़ा जाए, स्टडी किया जाए, तो 3-4 प्रमुख विषय सामने आते हैं जो मृणाल की स्टडी में भी था. सबसे पहला ये कि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल के लिए महिला को कभी सहारा मिलता नहीं है. अक्सर देखा गया है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखें, रिसर्च देखें, तो पता चलेगा कि मोस्ट वीमेन आर वेरी ऑफ गेटिंग फाइनेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स बिकॉज दे डू नॉट हैव द कंफर्ट ऑफ गिविंग श्योरिटी फॉर सच अ लोन. दिस इज द चैलेंज विच इज बीइंग फेस्ड बाय वीमेन हु वांट टू स्टार्ट बिजनेसेस विद कैपिटल ऑफ 20,000 अप टू 30,000. एंड दीज आर द वीमेन इन हुज आइडियाज नॉट मेनी बिलीव इन. When they say that I want to start a business, they're often told कि तुम घर बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा घर से काम कर लेना या फिर नौकरी कर लेना. ये business बहुत ही risky venture है, बहुत ही risky proposition है. इसलिए जब ऐसी औरतों के बीच में study की गई तो माना गया कि बहुत सारी औरतों के पास banking opportunities क्या available है, facilities क्या available है, approach क्या होना चाहिए banking और finance के प्रति, उस जानकारी का अभाव है. तो आई एम श्योर आज मृणाल ने अपनी प्रेजेंटेशन के अंत में लिखा था, प्लीज़ टेक आउट योर टाइम एंड फिल द फीडबैक फॉर्म. वेल मृणाल, दिस इज़ मी फिलिंग योर फीडबैक फॉर्म. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग आई होप रेनू जी वी डू अंडर योर टेन्योर इज़ दैट वी इनकरेज डेसिमेशन एंड गिविंग आउट ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स टू दोज वुमेन हु कम फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, who have that entrepreneurial nature but who do not have the sadhan per se of understanding what finance is all about. In fact, the word finance scares even a lady like me, and I would possibly turn to my chartered accountant and take his advice. So this whole attitude we have towards what actually finance pertains to, I think if we can simplify that for women across the country, then that is one of the biggest contributions we can give to working women professionals, to entrepreneurs, to those women who don't even realize that they have the skill to apply themselves and become entrepreneurs. Chavi ne aaj 2-3 prashna apne udbodhan mein hum sabke samne rakhe, that we actually are a nation of possibilities. We are a nation of million talents. मुझे लगता है कि talent और possibility का समन्वय अगर governance के माध्यम से हो तो मेहनत में 4 चांद लगता है. महिला entrepreneurs की चुनौतियों के बारे में जब research किया गया तो पता चला कि महिला entrepreneurs को सबसे बड़ी दिक्कत finance के बाद skills की आती है, चाहे वो मैनेजमेंट स्किल्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो, या एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो. इसलिए आज बिकॉज आई एम प्रिविलेज टू बी अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम गुजरात एंड मृणाल हैड अ ह्यूज एम्फेसिस ऑन आवर विक्ट्री इन 2014, लेट मी लीड बाय एग्जांपल एज टू व्हाट वी हैव डन थ्रू गवर्नेंस इनिशिएटिव्स विज़ावी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. इन गुजरात वी हैव 18 ITIs specifically dedicated to women, and in our general ITIs we have 44 women's wings specifically designed so that women can get skills in terms of marketing, in terms of technology, and apply themselves to their new businesses. You will be happy to note, Mrinal, that in Gujarat in 300 skill upgradation centers we have trained over 90,000 women. Now this is taking centers not to only big cities but also to smaller towns and villages. Chavi ne aaj ek baat kahi
कि जो लोग बड़े बड़े उद्योग करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनका अक्सर ये रुख रहता है, उनका अक्सर ये एक इंक्लिनेशन रहता है कि गांव से हमारा कोई लेना देना नहीं है. आपने कहा इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग हाउ कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस कैन कम टुगेदर. वेल आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू दैट इन गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्रीज़ हिस्ट्री वी हैड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड मिशन मंगलम. Now, what Mission Mangalam does is that it invites corporates who want to do business in the state and tells them that instead of migrating labor to their business centers, let them give jobs opportunities in terms of job works to people who are in those villages where they can be trained and they can specialize in facilitating business. I'm happy to say that through women's self-help groups, we have registered over 30 lakh women today through Mission Mangalam, where corporates are helping them sustain business, and business worth 1700 crores is being done. Do cheeze hui hain usse, migration mein to kami aayi hai, lekin ek aur baat hui hai. Mahila jab kuch kamati hai, to uska pehla dhyay kya hota hai? Mehengai badh rahi hai, to rasoi puri pad jaye, ye uski chinta hoti hai. लेकिन उसके बाद बेयर नेसेसिटी के बाद जब पैसा बचता है तो महिला का इंक्लिनेशन होता है कि बच्चे की पढ़ाई में इन्वेस्ट करें. गांधी जी सेड टीच अ मैन यू टीच एन इंडिविजुअल, टीच अ वुमन एंड यू टीच यू इंटायर नेशन. देयर आर मेनी वुमेन हु आर नॉट पॉसिबली एजुकेटेड देमसेल्व्स, बट व्हेन दे हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दे इन्वेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन बिकॉज दे फील दैट दैट वुड देन इंटेल दैट देयर चिल्ड्रन हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर फैसिलिटीज. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोग्राम्स दैट वी डू इन गुजरात इज अ प्रोग्राम कॉल कन्या केलवनी. छवि स्पोक अबाउट लॉन्ग डिस्टेंसेज फ्रॉम होम्स एंड हैमलेट्स टू स्कूल्स. एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर जो प्रथम वर्ष होता है बच्चे का स्कूल जाने का, उस दिन प्रथम वर्ष के प्रथम दिन सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो IPS अधिकारी हो, चाहे वो IAS अधिकारी हो, चाहे आपका DPO हो, सभी अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि एक बच्चे का हाथ पकड़कर, विशेषतः गरीब परिवार के बच्चे का हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल ले जाता है. एक रीअश्योरेंस मिलता है परिवारों को कि उनकी एजुकेशन में पूरा गवर्नमेंट इन्वेस्टेड है, नॉट ओनली एज अ ग्रांट बट एज अ ह्यूमन इनिशिएटिव. और गुजरात में हमारे मुख्यमंत्री और भारत के होने वाले प्रधानमंत्री स्वयं बेटी का हाथ पकड़ के जाते हैं और हर साल एक बच्ची को वो स्कूल में खुद भर्ती करवाते हैं. अक्सर लोगों का माना जाता है अच्छा स्कूल में भर्ती हो गया इसका मतलब काम खत्म. We have another program. I'm discussing these programs because in the milieu of bad news, there is some good news. एक और कार्यक्रम है गुणोत्सव. गुणोत्सव एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम evaluate करते हैं कि बच्चे को किस प्रकार की education मिल रही है. School management committee के माध्यम से माता पिता को संग लेकर हर स्कूल में मिड ईयर में यही जनप्रतिनिधि जाते हैं, बच्चों को खुद इवैल्यूएट करते हैं, टीचर्स इवैल्यूएट नहीं करते. और इस इवैल्यूएशंस में टीचर्स का इवैल्यूएशन भी शामिल होता है कि बच्चे को जो किताब दी जा रही है वो बच्चे ने कितनी पढ़ी. ये सारे इनिशिएटिव्स इसलिए किए जाते हैं ताकि अगर आप एजुकेशन में क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करेंगे, इवन एज समबडी हु इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, as a part of a government, then you can genuinely bring about the quality change that we all seek in our country. Aaj is manch par kai mahatvapurna udharan hai un logon ke jinhone apni mehnat se samaj mein apne liye ek jagah banayi. Aaj is manch par baat hui ki hum agar badlav ki shuruaat karna chahte hain to mansikta ko badalna hoga aur purushon ki mansikta ko badalna hoga. एक तरह जो उदाहरण दिया गया कि बच्चा लड़का रोता है तो उससे कहा जाता है लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, लेकिन जब बेटी असर्टिव होती है तो उसे कहा जाता है थोड़ा झुकना सीखो, आवाज़ नीचे करना सीखो, ज़्यादा अम्बिशियस मत हो, एक मर्यादा में रहकर तुम्हारे, अभी मृणाल भी ऐसे से सर हिला रही है, एक मर्यादा में रहकर सपना देखो, वो भी अपने आप में एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है. आज इस मंच पर रेणु जी ने कहा कि मुझे पंख दे दो, लेकिन छवि जी ने कहा पंख तो हैं. मेरा ये मानना है कि एन रायंड का एक बहुत अच्छा एक कोटेशन था,
एन रायन ने कहा था, द क्वेश्चन इज नॉट हु इज गोइंग टू लेट मी, द क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू स्टॉप मी. और वो अगर वी का एक स्लोगन टाइप बने तो मुझे लगता है मुझे बहुत खुशी होगी. लेकिन अगर क्वालिटेटिव चेंज लाना है गवर्नेंस में भी, तो देखा है हमने कि गवर्नेंस में जैसे जैसे महिलाओं का योगदान बढ़ता है वैसे वैसे गवर्नेंस की क्वालिटी भी बढ़ती है. आज उसका एक उदाहरण छवि के रूप में हम सबके बीच में है. भारतीय जनता पार्टी की हर महिला कार्यकर्ता को इस बात का बहुत ही गर्व है कि देश की राजनीति में पहली बार संगठन के संविधान में बदलाव करके 33% का आरक्षण महिला को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और ये काम एक पुरुष की अध्यक्षता में हुआ. तो किस प्रकार से महिला और पुरुष राजनीति में एक समान स्तर पर एक साथ आगे बढ़ सकते हैं भारत की राजनीति में, उसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है. लेकिन बात फिर आती है मानसिकता की इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. गुजरात का एक और उदाहरण देती हूँ. गुजरात में हमने समरस ग्राम पंचायत की शुरुआत की जिसमें हमने प्रयास किया कि अगर पंचायत का चुनाव होता है बिना किसी मनमुटाव के, अगर कंसेंसस जेनरेट होता है और सब सर्वसम्मति से किसी पंचायत का चुनाव करते हैं तो उसे समरस ग्राम कहेंगे और उसको एडिशनल ग्रांट मिलेगी. फिर नरेंद्र भाई ने सोचा, अभी ताली बाकी है भाई साहब, आप पुरुषों के लिए मत बजाइए. नरेंद्र भाई ने सोचा कि अगर इसके माध्यम से महिला को कंसेंसस से सरपंच और महिला पंचायत बनाई जाए तो मैं जहाँ पर एमपी लैड ग्रांट्स देती हूँ, आनंद जिला है वो, वहाँ पर सिसवा नाम का गांव था. सिसवा में हमारी पढ़ी लिखी बेटियों का एक समूह था. गांव के बड़ों ने निर्णय लिया कि इस पंचायत के चुनाव में कंसेंसस से पंचायत बनाई जाएगी. ऑल एजुकेटेड ग्रेजुएट गर्ल्स वर इलेक्टेड यूनैनिमसली टू द पंचायत एंड अ महिला सरपंच वॉज इलेक्टेड. एज अ वुमन आई एम प्राउड टू से दैट इन गुजरात टूडे वी हैव ओवर 362 महिला समरस ग्राम पंचायत विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड बिकॉज देर वॉज अ कंसेंसिस इन दैट गाँव दैट येस वीमेन इन गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल एंड आर इक्वली डेडिकेटेड कैन डिलीवर द गुड्स जस्ट एज मैन. समय की एक सीमा है, एक मर्यादा है जिसका मुझे एहसास है. आज निर्भया के परिवार को इस मंच पर हमने सम्मानित किया. भारतीय जनता पार्टी महिला के मोर्चा के माध्यम से जब ये दुखद घटना घटी उस वक्त मैं अध्यक्ष थी और मुझे याद था कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इस घटना से करीबन कुछ महीने पहले हम लोगों ने लिखित रूप में निवेदन दिया और कहा कि दिल्ली की सड़कों पे कई ऐसी इल्लीगल अनऑथराइज बसेस चलती हैं जिस पर विंडो पर काला फिल्म लगा हुआ है. वो काली परत अगर विंडो से हटाएं तो महिला सुरक्षा में थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है. और जब ये घटना मेरे ध्यान में आई तब मुझे एक ही बात का दुख था कि काश कमिश्नर ने फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद उस निवेदन को पढ़ा होता और काश एक कदम तो लिया होता महिला सुरक्षा को बढ़ाने का. मैं निर्भया के माता पिता से कुछ दिन पहले ही पहली बार जीवन में मिली और जब मैं मिली, जिस मंच पर मिली, उस मंच पर जो मैंने कहा वो आज मैं कहती हूँ. महिला नहीं चाहती है कि उसे मजबूर होना पड़े कभी अपनी हिम्मत का प्रदर्शन करने के लिए. महिला नहीं चाहती है कि उसे कोई मजबूर करे दिलेर कहलवाने के लिए. महिला को अपनी शक्ति का अंदाज़ा है. ये दुर्भाग्य है कि आज एक ऐसी बेटी की हम चर्चा कर रहे हैं जो अपनी हिम्मत दिखाने पर मजबूर की गई. इसलिए मंच से तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि एक ऐसा समाज बने हमारा, एक ऐसा देश बने जहाँ पर महिला को अपनी स्ट्रेंथ दर्शाने के लिए कभी मजबूर ना किया जाए, उसे अपने साहस का प्रदर्शन करने के लिए कभी प्रताड़ित ना किया जाए. जितनी भी मैनेजमेंट स्टडीज़ हुई हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स और स्किल्स और चैलेंजेस के बारे में,
उसमें होम मेकर्स के योगदान के बारे में पहले चर्चा नहीं हुआ करती थी. मृणाल ने आज उसे क्वांटिफाई करने का प्रयास किया है. देर वॉज एन एनुअल नेशनल इनकम ऑल्सो क्वांटिफाइड, आई होप यू नो दैट. एंड इट वॉज सेड यू हैव डन अ 2,46,000 पर ईयर क्वांटिफिकेशन पर वुमन फीमेल हाउस मेकर. वेल द एनुअल क्वांटिफिकेशन ऑफ दैट मृणाल इज 612.8 बिलियन US डॉलर्स, which has been done by the Health Brigade and the Action Forum. Now, when one looks at that contribution, when one sees that kind of an activity undertaken, the normal conversation stems from the fact ki mahila ko ghar ki dehliz paar karni hai, mahila ko sashakt karna hai. Aaj Ravi ji ne kaha ki hume pehle palat kar dekhna hoga ki hamara apna itihas kya kehta hai. और अपने इतिहास को देखने के बाद कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत सारी समझ में आती है. मुझे याद है पांडे जी साथ थे, परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन द इंडियन आर्मी, उसका केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. और जब उसके लिए हम लोग फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर रहे थे तो मैं पांडे जी से कहती थी, इजंट दिस अ ट्रेजेडी, इजंट दिस अ कॉन्ट्रडिक्शन, कि जिस देश के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा के लिए महिला को तैनात किया गया था, उस देश में आज के ज़माने में हम परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन द आर्मी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं. यहाँ पर चर्चा हुई अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र का उल्लेख हुआ. हाल ही में महिलाओं को, विशेषतः जो प्रोफेशनल महिलाएँ हैं उनको पता है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल पारित हुआ पार्लियामेंट में. कितनी दुख की बात है कि इसी देश में अर्थशास्त्र के बुक नंबर 2 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअली हरासिंग अ वुमन वर्कर. सही कहा रवि जी ने, अगर पलट कर देखें तो बहुत कुछ है हमारे इतिहास से जो हम सीख सकते हैं, और उन स्वर्णिम पलों को पॉलिसी के माध्यम से अगर हम कहीं ना कहीं इनिशिएट करें, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस एक दूसरे का बिल्ड करें, तो मुझे लगता है महिला एंटरप्रेनर्स में वृद्धि हो सकती है. हाँ, बात आती है कॉन्फिडेंस की, इसलिए कॉन्फिडेंस की इस बात से मैं समाप्त करूँगी. आज जितने पुरुषों ने महिलाओं को संबोधन किया और एक दूसरे की चर्चा की इस मंच पे, सबने एक दूसरे को एक दूसरे का हनुमान बोला. डिड यू नोटिस? आई रिसेंटली हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दशहरा सेलिब्रेशन विद सम संत्स, विद आचार्य. और मैं संतों के साथ जब बैठी थी तब मैंने उन्हें कहा दशहरा के दिन कि आज मैं एक दुस्साहस करना चाहूँगी, एक प्रश्न करना चाहूँगी जो शायद आपको अटपटा सा लगे. मैंने कहा भगवान राम भी मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, और जब वो मनुष्य के रूप में अवतरित हुए तो स्वाभाविक है कि मन में कभी ना कभी तो शंका रही होगी. इतना बड़ा युद्ध किया उन्होंने, क्या उन्हें अपने आप पर कभी शंका हुई कि ये युद्ध में जीत पाऊंगा कि नहीं? आफ्टर ऑल ही वॉज बॉर्न एज अ मैन. तो एक आचार्य ने मुझसे कहा कि हाँ, शंका तो हुई थी बहन जी. भुसुंडी रामायण की एक किताब है जम्मू की लाइब्रेरी में, अगर आप में से कभी किसी का जाना हुआ, अगर आप उस ग्रंथ को देख पाएं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. बलबीर जी का तो बहुत आना जाना रहता है जम्मू कश्मीर में भी. उसमें लिखा है कि नल और नील को जब वायु देवता ने कहा कि अगर पत्थर पर प्रभु राम लिख दें और प्रभु राम स्पर्श करें तो ये पत्थर पानी में तैरेगा और राम सेतु बनेगा, नल और नील ने देवताओं का जो डायरेक्शन था उसके हिसाब से प्रभु राम से स्पर्श करवाया पत्थर को, और वो पत्थरों से राम सेतु बना. प्रभु राम रात को चिंतित होने लगे और सोचने लगे, और ये भुसुंडी रामायण में लिखा है, सोचने लगे कि ये मेरा चमत्कार है या कोई नया फिजिक्स का अध्याय है, ये हो क्या रहा है, थोड़ा मैं भी जाके एक्सपेरिमेंट करता हूँ. प्रभु राम खुद बाहर गए, उन्होंने एक पत्थर पर अपना नाम लिखा, पत्थर को स्पर्श किया, फिर पानी में छोड़ दिया और वो पत्थर डूब गया. फिर प्रभु राम ने सोचा होगा कि कोई देख तो नहीं रहा है. उस वक्त सर हनुमान जी देख रहे थे. हनुमान जी प्रभु राम के पास आए और हनुमान जी ने कहा कि क्या कर रहे हैं प्रभु, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो प्रभु राम जी के कॉन्फिडेंट थे हनुमान जी, तो प्रभु राम ने कहा कि देखिए, मैंने तो अपना स्पर्श किया, नाम लिखा पत्थर पे, लेकिन पत्थर तो डूब ही गया. तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जिसको आप छोड़ देते हैं उसका दुनिया में डूबना निश्चित है. तो आचार्य जी ने पलटकर मुझसे कहा, स्मृति जी अब आप बताइए इससे आपने क्या सीखा? मैंने कहा, आपको अगर बुरा ना लगे तो महिला होने के नाते मैंने एक ही चीज़ सीखी. उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा, दुनिया चमत्कार कर ले, लेकिन जब तक इंसान को खुद पर विश्वास नहीं होता है उसके हाथों से चमत्कार नहीं हो सकता. इसलिए अगर चमत्कार करना है, इतिहास लिखना है, तो खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए.
और वो कॉन्फिडेंस आज मुझे इस सभागार में दिखता है। मैं जीवन में आज तक इतनी ओवरवेल्म नहीं हुई हूँ जितना कि आज यहाँ आकर हुई। मैंने रेनू जी से कहा कि मुझसे ज़्यादा प्रतिभाशाली, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड महिलाएं आज इस सभागार में हैं, मुझे उनको सुनना चाहिए था। आपने मुझ जैसे बोरिंग पॉलिटिशियन को भाषण देने के लिए क्यों बुलाया? एक तो मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ रेनू जी कि आपने मुझे बुलाया, लेकिन एक पांडे जी ने, मैंने पहले पूछ लिया था, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कर भी दिया इसलिए मैं बोल रही हूँ, एक निवेदन है आपसे जो एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते, गिवन द टैलेंट दैट यू हैव इन द रूम एंड इफ द टैलेंट इन द रूम अग्रीज, मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। मृणाल ने आज जिस भावना के साथ कहा कि 2014 में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस विश्वास से झलकता हुआ एक प्रस्ताव है आपके सामने। फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के माध्यम से देश भर में इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, प्रोफेशनल्स के बीच में चर्चाएं हो रही हैं कि वो क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स हो सकती हैं जिससे प्रोफेशनल्स हमारे देश के सशक्त हो सके, इकोनॉमी हमारी सुदृढ़ हो सके। क्या वी के माध्यम से देश भर में वन ऑन वन छोटे छोटे इंटरैक्शंस महिला प्रोफेशनल्स के साथ हो सकते हैं, ताकि जो आप क्वालिटेटिव इंसर्शन हमारे मैनिफेस्टो में चाहती हैं, वो आपको इंसर्शन या वो सुझाव उन महिला प्रोफेशनल्स के साथ देश भर में इंटरैक्ट करने से मिलेंगे। आज उनमें से एक इंदिरा ओइनम यहाँ बैठी हैं, जिनका मणिपुर में जो काम है उसे मैं प्रत्यक्ष देखकर आई हूँ, और मुझे लगता है कि अगर हर स्टेट में आपकी टीम जाकर इस प्रकार का इंटरैक्शन करेगी तो वो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा मेंटोर्स के रूप में, जैसे छवि कह रही थी, उभर के भी आ सकती हैं, हमें अपनी मैनिफेस्टो में कुछ नए सुझाव भी मिल सकते हैं। और पांडे जी ने मुझे जो पीछे से यूं यूं किया, उसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि स्मृति शुरुआत इससे करते हैं, फिर जनवरी में 5,000 से 6,000 महिलाओं का बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में करते हैं। इसलिए मैंने पांडे जी की अनुमति से हम दोनों का आइडिया आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है, और ये विश्वास इसलिए है बिकॉज आई हैव सीन द टैलेंट इन द रूम। मुझे विश्वास है कि अगर आप इस पर काम करेंगे तो महिला प्रोफेशनल्स भी सशक्त होंगे, पार्टी भी सशक्त होंगी। और जाते जाते रवि जी, मुझे नीरज जी ने 2-3 बार पूछा, एक मीटिंग में, मैं उल्लेख कर रही हूँ इसका, एक मीटिंग में जब इसी कार्यक्रम के लिए हम सब बैठे थे, तब मैंने अपनी एक अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल किया, और नीरज जी बैठ के हंस रहे थे क्योंकि मैंने इसलिए रीशेड्यूल किया क्योंकि उस दिन करवा चौथ है। स्वाभाविक है, थोड़ी मेरी टांग खिंचाई हुई थी, करवा चौथ के लिए बदल दिया, वो हो सकता था ऊपर नीचे, इसलिए मैंने थोड़ा देखा। और आज मुझे खुशी है कि छवि ने कहा, फर्स्ट लुक आफ्टर योर सेल्फ ऑल्सो। तो अब मैं बताने वाली हूँ दूसरी वाली बात। देखिए रवि जी, सप्तपदी में भी एक प्रथा है, जब फेरे लेते हैं इर्द गिर्द, शादी होती है, तब जब मुसीबत आती है तो हमेशा औरत फेरा आगे लेती है और कहती है कि अगर मुसीबत आए तो मुझ पे आए, पति पे ना आए। लेकिन मुझसे किसी ने ऐसे ही करवा चौथ का मजाक करते हुए कहा था कि बड़ी नेताइन बनते हैं आप सब, लेकिन पति के 2 कदम पीछे चलते हैं। आप में से जितनी महिला लीडर्स हैं अलग अलग कैपेसिटी में, उनको शायद कभी ना कभी कहा गया होगा, खासकर उन लोगों के द्वारा जिन्हें लगता है कि परिवार में संयम और संस्कार कोई कमज़ोरी है, वो लोग हमेशा ऐसा उपहास करते हैं। तो मेरा जवाब ऐसे लोगों को हमेशा ये रहता है कि 2 कदम पीछे इसलिए चलते हैं ताकि अगर गिर गए तो पकड़ने की ताकत सिर्फ हम में है, किसी और में नहीं। इसलिए मेरी कल्पना ये है कि वी के माध्यम से कम हमारे संगठन में ऐसी कल्पना है कि पुरुष अगर चल रहे हैं तो महिला साथ चलती है, और अगर टैलेंट होता है तो वो महिला पुरुष को भी पीछे छोड़ सकती है, ये कल्पना भी है संगठन में। और आज इसी संगठन को सलाम करते हुए एक बार फिर वी की पूरी टीम को, रेणु जी को, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई, खूब खूब धन्यवाद, जय हिंद।